हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल की बुक का फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन नंबर 43 42 तक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बहुत स्पीडली आपको सारी वीडियोस मिल रही हैं। दिन में 3 से 4 वीडियोस मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं और आपके इतने सारे कमेंट्स होते हैं, मतलब काफी सारी चीजों में आप क्वेरीज कर रहे होते हो, तो मैं कोशिश करती हूँ जितना जल्दी हो पाता है मैं उनकी रिप्लाई करती हूँ। और जो जिन जिन स्टूडेंट्स के ये वाले कमेंट्स होते हैं ना, थैंक यू दीदी, थैंक यू मैम, और इस तरीके के, जो वो मुझे इतना मोटिवेट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उस सब के लिए, मतलब उन सारे कमेंट्स के लिए दिल से थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। और हाँ, साथ ही एक चीज और, अगर सैटरडे वाली लाइव क्लास आपको, मतलब आपको लेनी है वो लाइव क्लास, तो शाम को 7 बजे लाइव क्लास लेनी है। मतलब मैं आपको यही बोलूंगी कि प्लीज आप लोग वो लाइव क्लास जरूर अटेंड करो, क्योंकि उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं बिजनेस स्टडीज के जितने भी 1 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं वो सारे। ठीक है, तो वो आपको अटेंड करनी ही है सैटरडे शाम को 7 बजे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। स्टार्ट करने से पहले फटाफट से, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मतलब दिन में 4 वीडियोस बनाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है, फिर भी मैं आपके लिए बना रही हूँ। किस लिए? आपके लिए। तो अगर आप लोगों को वो ना मिल पाए तो फिर मेरे बनाने का कोई फायदा नहीं, और मिलेंगे तभी जब आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे। क्या बोल रहे हैं? फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन गिवन द रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब, शो दीज आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द क्लब एज एट 31 मार्च 2020। ठीक है, स्पोर्ट्स क्लब का एक दिया हुआ है हमें कुछ डिटेल्स। फर्स्ट डिटेल दी हुई है, स्पोर्ट फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2019, जिसका अमाउंट हमें दिया गया है 3,50,000। उसके बाद सेकेंड आइटम दिया हुआ है स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, जिसका अमाउंट भी हमें 3,50,000 दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्टमेंट, जिसका अमाउंट 40,000 है। डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड 1,50,000। स्पोर्ट्स प्राइस अवॉर्डेड दिया हुआ है 1 लाख रुपीज का। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट इवेंट 40,000 के हैं। जनरल फंड हमें दिया हुआ है यहाँ पे 8 लाख का, और इन्वेस्टमेंट भी 8 लाख के दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 80,000। ठीक है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ है नहीं हमारे पास में, तो हम इसकी सबसे पहले क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। हमें बैलेंस शीट बनाना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, स्पोर्ट फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2019 3,50,000। ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है ना, हमारे हमें फंड मिला है तो ये हमारी लाइबिलिटी है। तो आप यहाँ लिखो स्पोर्ट्स फंड कितना, मैं अंदर ही लिख लेती हूँ 3,50,000। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 3,50,000। अब आप देखो, मतलब ये अंडरस्टूड है कि स्पोर्ट्स फंड जो आपको 3,50,000 का दिया है, इस फंड को मार्केट में इन्वेस्ट किया गया है। इसका मतलब इससे आने वाला जो भी इंटरेस्ट होगा वो, मतलब वो सारी चीजें हमारे लिए असेट हैं, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ये यही वाला अमाउंट होगा जो इधर आ गया है 3,50,000, हमने इसे मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद में बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट 40,000। मतलब ये है कि जब आपने इसे मार्केट में इन्वेस्ट किया उससे आपको इंटरेस्ट मिली है, तो ये आपके लिए लाइबिलिटी है। तो मतलब वो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करनी है, आपके लिए लाइबिलिटी है, तो आप इसे लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ऑन फंड इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अमाउंट दिया है 40,000। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड।
अमाउंट दिया है 1,50,000 डोनेशन, आपको डोनेशन मिला है इसलिए ये भी आपकी लाइबिलिटी है, तो यहाँ लिखो डोनेशन 1,50,000, सॉरी। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड। अब आप एक चीज देखो, मतलब जो हमारी लाइबिलिटीज थी वो यहाँ पर खत्म हो चुकी हैं, अब हम इनका टोटल कर सकते हैं। टोटल आ रहा है मेरा 5,40,000। उसके बाद में हम इस अमाउंट को अभी भी अंदर ही रहने देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, इसका मतलब ये है ये 5,40,000 जो हमारा निकल कर आया, हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास टोटल अमाउंट है जिससे हम बाकी के जितने भी खर्चे होंगे वो हम इस अमाउंट से कर सकते हैं। तो लेस करेंगे इसमें से लेस स्पोर्ट्स प्राइज प्राइज स्पोर्ट्स प्राइज का जो अमाउंट दिया है वो दिया है 1,00,000। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है हमको एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, 40,000 का खर्चा हो गया इवेंट्स पर, वो भी हमें इसमें से लेस करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स इवेंट 40,000। अब देखो 5,40,000 का टोटल अमाउंट था जिसमें से हमने 1,00,000 रुपए के प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और इवेंट में 40,000 का खर्चा हो गया, तो इसका मतलब टोटल 4,00,000 रुपए हमारी लाइबिलिटी में आ जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है जर्नल फंड, जर्नल फंड 8,00,000 का दिया है, आप यहाँ लिखो जर्नल फंड फंड 8,00,000। इसके बाद नेक्स्ट अमाउंट आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारी असेट है, तो आप यहां देखो इन्वेस्टमेंट कितना 1,00,000। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट 80,000। ये जर्नल फंड जो है जो इन्वेस्टमेंट के है होगा, क्योंकि ये जर्नल फंड है इसलिए इससे जनरेटेड जो इंटरेस्ट है उसको हम कहाँ पे लेकर जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर जाएंगे। तो हमने यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया हुआ है, तो इससे जनरेटेड है, हमको इंटरेस्ट रिसीव हुए है, हमारी इनकम है, तो आप इधर देखो बाय इंटरेस्ट ऑन जर्नल फंड फंड इन्वेस्टमेंट। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सट्रैक्ट है, मतलब आपको केवल एक ही कुछ ही पार्ट दिया गया है, ये एक्सट्रैक्ट है। ऐसे ही बैलेंस शीट भी हमारी एक्सट्रैक्ट है, हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास में। तो होप आपको ये समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल सा था एक, इसमें हमें बैलेंस शीट बनानी थी और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था। ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 43। अभी थोड़ी बहुत देर में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 44। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 44 के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।